आगरा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें किसी की भी परवाह नहीं होती। बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट के अवरोध करने पर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। पूरी वारदात फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के मलाबदा गांव की है, जहां पर रात में बदमाश घुस आए और जमकर लूटपाट की। वहीं इस मामले पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना फतेहपुर सीकरी के ग्राम मलाबदा में एक घर में तो गांव के बीच में उसमें चोरी की नियत से बदमाश आए और संभवतः उस कमरे में जिस कमरे में एक अलमारी पर्टिकुलर एक अलमारी को उन्होंने टारगेट किया। पूरे घर में सिर्फ एक अलमारी है, उसी में वो बुजुर्ग महिला सो रही थी। संभवतः जब अलमारी खटपट हुई होगी उनके जागने से प्रतिरोध उनके द्वारा किए जाने पर उनके गले को दबाया गया। इसके बाद बदमाश चले गए और अलमारी खुली हुई थी, संभवतः जो सामान रहा होगा वो ले गए होंगे। घर वाले अभी उसकी जांच कर रहे हैं क्या क्या सामान मारा गया है। सुबह 9 बजे तक पूरा डिटेल नहीं मिल पाया था क्योंकि परिजन आ रहे थे, जिसकी अलमारी थी और नोएडा में रहती है। तो महिला घटना ये रही है, रात को बदमाश आते रहते हैं, गांव में घूमते रहते हैं और कोई भी पुलिस प्रशासन इधर कोई गश्त वगैरह नहीं करता है। आम जनता परेशान है और पुलिस की कोई भी गश्तबाजी नहीं हो रही है जी। पहले भी कोई ऐसी कोई घटना हो चुकी है? पहले हाँ, पहले भी हो चुकी है गांव के अंदर जी। उसका कोई आज तक खुलासा नहीं हुआ। इसको भी रात को 12 बजे आए हैं, रात को मार के चले गए हैं, किसी को भी नहीं मालूम पड़ी और दीवाल से आए हैं और निकल गए। अगर इस घटना का खुलासा नहीं होता तो आप लोग क्या करोगे? क्या करें, हम सड़क पर उतरेंगे और क्या करेंगे। SPN9 न्यूज के लिए आगरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट।